इनमें से जो हमने पसंद किया है ना, ये वाला हमने पसंद किया है भाई, सिटी क्लास। एंजॉय कर लो। उसका भाई बिल ये बना था हमारा जी, जो ज़्यादा गली हुई होंगे ना उनका भाई इसी तरह से रोड़ी बनवा लेंगे, वो फर्श में डल जाएगी। मेरा कोई काम है तो दस जा, नहीं है तो भी दस जा। ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना दिन के तकरीबन भाई 11:30 होने वाले हैं भाई, और अभी जो है ना उमर याद भाई आए हुए हैं। क्या हाल चाल है उमर भाई? ठीक है, तबीयत से ठीक है? चले भाई, आज जो है उमर याद भाई आए हुए हैं। आपको पता है झरियों का काफ़ी हद तक काम जो है ना कंप्लीट हो गया है। अब जो है ना इनके वो बोर्ड का जो फ्रेम होता है ना वो लगाने हैं। क्या कहते हैं उनको? डुग्गे? डुग्गे भी बोलते हैं, बॉक्स भी बोलते हैं। बॉक्स भी कहते हैं यहाँ पे भाई, डुग्गे कहते हैं, और आप उसको वो कहते हैं ना बटन वाला जो बॉक्स होता है वो भी कह सकते हो। तो वो अभी भाई लेने जाने हैं हमने, और उसी के लिए ना सारी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे थे कि कितने लेने हैं, कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, तो उस हिसाब से जाके ले आना, कम ज़्यादा ना हो जाना इसलिए। तो अभी लिख लिए आई थिंक इन्होंने, मैंने अभी भाई नहाना छहाना है, नहा लूँगा तब फिर हम चलेंगे जी सिटी, और वो भी लेके आते हैं। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आप कह रहे हैं घर की पूरी सप्लाई के लिए जो यहाँ पर DP लगनी है ना, वो भी आज देख के आएंगे कि अच्छी सी कोई मिल जाती है ना अगर हमारे सिटी से ही, तो वो भी ले लेंगे। तो इस तरह से भाई सारी जो है ना कैलकुलेशन वगैरह हो गई हैं, और मुझे तो इनकी अभी तक समझ नहीं आई, जब ऑर्डर होगा तो समझ आ जाएगी कि ये 1, 2, 3, 4 ये हैं क्या चीज़ें। तो फिर चलते हैं थोड़ी देर में सिटी। नहा धो के मैं हो गया हूँ जी रेडी अभी सिटी जाने के लिए, और काम भी दोबारा से स्टार्ट हो गया। ईंटें भाई हमारी आ गई हैं एज़ यूजल, कुछ बाहर कुछ अंदर, तो बाहर से अंदर डाल रहे हैं अभी। हाँ भाई मिस्त्री, मैं जानता अपने शहर। अच्छा, मेरा कोई काम है तो दस जा, नहीं है तो भी दस जा। शुगर वी खली कहती वी खली शुगर वाद गई साथ तेरी वाद गई, तो मैं हूँ तेन कौड़ तू मैं खवाइना मैं। इन्होंने भाई आज जलेबी खाई है चाय के साथ। मैंने कहा थोड़ा सा इनकी शुगर लेवल हाई हो, थोड़ा सा एनर्जी आए इनको। पता नहीं अब चलो ठीक है। अच्छा भाई हाँ, और 4 इंच तो छोड़ नहीं ने भाई दे, तो फिर 500 तो पता लग गई है ते। ओ बात थी पहले ना लगनी। हाँ पहले वो अगले छोड़ जाना। बस चले मैं आ जाऊंगा इतने तक। अच्छा भाई ये बाहर निकलने के लिए जो है ना छत की तरफ ये भी चौकाड़ लग चुकी है। ये भाई हमने सीढ़ी के सामने नहीं लगाई, आपको आकर बताऊँगा। हाँ सही। अच्छा एक ये लग गई, एक ये चौकाट लग गई, ये स्टोर रूम प्लस लॉन्ड्री की है, और ये वाली भी बेडरूम, क्योंकि अभी बाकी लगने वाली हैं। तब तक मैं सिटी से होकर आ जाऊंगा। पिछले प्लान में आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से हमारे रूम्स के साइज़ हैं, कहाँ पे क्या चीज़ लग रही है और उसका पर्पज़ क्या है। बाकी इंशाल्लाह वापसी में आ जाता हूँ, तब तक आई थिंक यही दीवार वो बना पाएंगे। मिस्त्रियों को समझा भी दिया है और उनसे समझ भी लिया है, और उनसे पूछ भी लिया है कि कोई काम है मेरे लायक अभी तो मुझसे पूछ लो, बाद में फिर ना वो कर देते हैं फिर नुकसान होता है। अभी भी हुआ था वो लॉबी की जो मतलब दरमियान वाले दीवार है ना वो पीछे एक्सटेंड करनी थी ताकि ना रेस्ट बन जाए सीढ़ी चढ़ते वक्त, तो वो उन्होंने कम रख दिया था, फिर दोबारा वो दीवार तोड़ी है, फिर उसको आगे किया। तो इस तरह से मैंने कहा भाई पहले ही पूछ लो, बाद में फिर नया कट्टा ना खोलना, मेरा नुकसान ना करना। तो खैर जी अभी इलेक्ट्रीशियन को साथ लेता हूँ भाई को, और सिटी चलते हैं, सामान ले कर आते हैं और फिर दिखाते हैं कि क्या क्या लेके आया हूँ, क्या खर्चा हुआ है, और बाकी की जो घर की वापसी की प्रोग्रेस है वो भी आपको दिखाऊँगा। एज़ यूजल मास्क ही पहन के जाऊँगा, हेलमेट इंशाल्लाह जैसे ही मेरा कोई मतलब किसी शहर का चक्कर लगता है ना अच्छे यहाँ से मतलब अच्छी क्वालिटी के हेलमेट मिल जाए। यहाँ से जो मिलते हैं ना वो 1000 रुपये का, 1200 रुपये का, 1500 का, और इतने उनकी लो क्वालिटी है ना मतलब उसके ऊपर मैं ऐसे मुक्का भी मार दूँ वो फट जाए तरबूज की तरह, तो फ़ायदा कौन है। और वैसे भी मैंने भाई GoPro लगाने के लिए लेना है तो उसके लिए थोड़ी सी ना अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो शहर से ही मिलेगा, और भाई ना घर से फारिग हो ना शहर का चक्कर लगे, तो जैसे ही कोई लगता है ना इंशाल्लाह ज़रूर ले कर आऊँगा। तो अभी निकलते हैं, मैं तैयार हूँ, मेरा पर्स उठा दीजिए। अच्छा भाई मैं अभी बाइक पे जाने लगा हूँ, गाड़ी का खर्चा है ना बढ़ जाता है बंदे का, और वही बाइक जो ली थी पेट्रोल बचत करने के लिए, तो फिर गाड़ी बाइक को इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो और वैसे भी बाज़ार में शायद जाना पड़े तो फिर गाड़ी आगे जाती नहीं, तो फिर पैदल काफ़ी सफ़र करना पड़ जाता है, टाइम लगता है, तो इसलिए बाइक पे ही जाएंगे। सामान वापसी पे किसी लोड रिक्शे वगैरह पे आएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से सामान लेते हैं ना उनकी एक अपनी गाड़ी आती है सप्लाई करने के लिए सामान, तो अगर वो पहुँचा गया तो फिर वही ले आएंगे। आपने भी कुछ लेना है? नहीं कोई। अच्छा चले भाई निकलते हैं फिर। इलेक्ट्रिक स्टोर पे हम आ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो सामान लेना है ना, तो सबसे पहले तो हमने ये डुग्गे लेने हैं,
फिर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कितना बनता है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये टुकड़े देख रहे हैं भाई, उम्र यार ने डिसाइड करने के कौन से अच्छे हैं जो लॉन्ग टर्म चलें भी सही टूटे। ये तुर्क प्लास्ट का है भाई, ये आजकल में UPVC और प्लास्टिक के रिलेटेड बड़ा फेमस हुआ हुआ है, तो उसका ये है। ये कोई है जी सिटी क्लास, और ये मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। LG बॉक्सेस हैं, तो हम ये वाला तुर्क प्लास्ट का देख रहे हैं भाई। मैंने ये बोर्ड वगैरह भी दिखाया, इसमें के मैंने ऑनलाइन भी देखे हैं। ये ना पूरा पूरा बटन बना हुआ है, लेकिन ये ना थोड़े वो क्या कहते हैं नाजुक हालात हैं इनके। जब ये बटन दबाता ना ऐसे लगता पूरा वाइब्रेट कर जाता है ये। इस तरह इनमें से जो हमने पसंद किया है ना, ये वाला हमने पसंद किया है भाई सिटी क्लास, ये वाले हम ले रहे हैं। ये थोड़ा सा ना ज़्यादा फ्लेक्सीबल है, और एज़ कम्पेयर टू दिस ये तुर्क क्लास था पहले हम, मतलब इसकी भी काफ़ी तारीफें सुनी हैं। ये भी यूज़ होता है इसमें, और इसमें फ़र्क ये है कि इसके आप देख रहे हैं ये हेजेस बने हुए हैं, ये जब लगेगा ना दीवार में तो दोबारा इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये आपको पता है प्लेन है तो निकाल सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट ज़्यादा ये था, तो इसलिए फिर हम ना ये वाले ही लेने वाले हैं। और DPs जो हैं जिनमें वो मेन लगता है, ये बड़ी हुई हैं इनके पास, लेकिन ये छोटी हैं, हमारी थोड़ी बड़ी लगने वाली है, तो वो शायद हमें ना कस्टम पे बनवानी पड़े, मतलब खुद बनवानी पड़ेगी। तो ये वाले भाई रेट्स यहाँ पे अभी चल रहे हैं आज के जो इन्होंने हमें बताए हैं। ये डुग्गे जो होते हैं ना, ये वाला साइज़ जो है इसको 7x4 कहते हैं, और ये इन्होंने हमें 4x4 60 रुपये का, और जो छोटा होता है ना जिसका आधा होता है वो भाई लगा हुआ है 50 रुपये का। उसके बाद ये एक जैन बॉक्स होता है, पता नहीं कौन सा होता है, देखेंगे तो पता चलेगा, ये 300 रुपये का है। उसके बाद ये नीचे पाइप आ जाते हैं, 1 इंची का पाइप 110 रुपये का, पौनी का पाइप जो है ना 80 रुपये का। पिछली बार में कितने का लगाया था आपने 1 इंची का पाइप? इतने का ही था, 110 रुपये का तकरीबन। लास्ट टाइम जो हम पाइप ले गए थे ना तब भी यही लगाया था। ये वाला हमें कितने का मिलेगा? ये 60 रुपये का। ये भाई हमें 60 रुपये का मिलेगा ये वाला डुग्गा। और शाम के 4 बजने वाले हैं भाई, और अभी मैं आ गया हूँ जिस सिटी से वापस, हमारे पाइप भी आ गए हैं। ये हमने ना हाईएस पे रख दिए थे, जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक चल रही थी उसकी छत पे, अभी अपने अड्डे पे आ गए उतरवा लिए। मैंने कहा क्या इसके लिए रिक्शा करवाएं, और एक बॉक्स में भी सामान था वो हम बाइक पे ही ले आए हैं। सामान जो है वो अभी इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर ही पड़ा है, ये पाइप घर आ गए, और अभी देखते हैं अभी छत पर क्या प्रॉब्लम हुई है। जो सामान लेके आए थे ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसका भी बिल ये बना था हमारा जी 6920 रुपये, जिसमें भाई कुछ बॉक्सेस थे वो डुग्गे जो कहते हैं यहाँ बटन वगैरह लगाने के लिए, उसके अलावा कुछ पाइप्स थे कितने 1 इंची का, पौने की 20 और 15, और उसके अलावा भाई जैन बॉक्स थे। ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी ये क्या होते हैं, ये जो मैं सारी चीज़ें बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में जब यूज़ हो रही होंगी तो आपको साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। बाकी इनका भाई 6920 रुपये बिल बना था। रेट्स जो है ना बड़े मुनासिब लगे हुए थे, क्योंकि भाई हम उनसे ही सामान ले रहे हैं, तो इसलिए जो ना हमारे साथ थोड़ी बहुत फिर रियायत करते हैं। काफ़ी सामान हमसे लिया, ऑलमोस्ट आकर के घर का सामान भी उधर से ही लिया था, तो चीज़ें जो है ना हमें मुनासिब रेट पर वहाँ से मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। ले भाई इधर जो है ना कोई ऐसे सीन चल रहे हैं, क्या सीन चल रहे हैं मिस्टर साहब? अच्छा बड़े स्लो भाई हैं, मैं तो समझाई खत्म हो जा सुना दीवारों से, तो जला दीवार नहीं लाई वो दीवार ला के। अच्छा हाँ। सही। अच्छा भाई बाहर वाली वही फ़िलहाल 9 इंची वाली दीवारें बन रही हैं, ये इस तरफ जो है डोर फ्रेम्स वाली दीवार थी वो बन रही है, ये वाली अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। मतलब मैं टाइम से ही आ गया हूँ, कोई ज़्यादा देर नहीं की। आ तो मैंने टाइम से ही जाना था, लेकिन इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा सा काम था, UPS ठीक करवाना था उसने, फिर वहाँ काफ़ी टाइम लग गया वो ठीक होते होते। कोई मेरे बगैर कोई मसला तो नहीं होया? हैं मैं कहा मसला हुआ था नेक्स्ट टाइम तो बंदा एक हायर कर दे जो तंदस्ती रखे। ये इन्होंने सही भाई गड़े मुर्दे खोदे हुए, ट्राली जा रही है ऊपर, अल्लाह ना करे टूटे, और फा होनी है नीचे इसकी। तार जो है ना रगड़ रगड़ के ना काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई खड़ी, इनको मैंने कहा भी है कि तार का लाजमी ख्याल रखना, तो जब भी ये इस तरह लटकाते हैं ना तो नीचे से हट जाना ही बेहतर है। भाई ये एक मैं लेके आया था जी माउथ वॉश कोलगेट का, और ये मुझे मिला है जी 390 रुपये का, छोटी सी बोतल है, पता नहीं क्या खास इसमें बात है। हालांकि बड़ी सारी बोतल होती है जो ओरल बी और एनजी क्लोर वगैरह इस तरह के वो मिलती है 250, 300, 350 की, ये छोटी सी बोतल है, और ये 390 रुपये की मिली है।
कह रहे थे कि कोई इंपोर्टेड माउथ वॉश है, पता नहीं कितना इंपोर्टेड है, इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा। मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गया हूँ भाई, और अभी मेरी आ गई है जी चाय, साथ में बिस्किट, और ये एक ना जलेबी का छल्ला भी लेके फिर रही है, ठंडी हुई पड़ी है। खैर अभी तो, लेकिन चाय के साथ अच्छी लगेगी। जब दोपहर को मिठाई लाया था ना मिस्त्रियों के लिए, तब मैंने चखी भी नहीं थी, टाइम नहीं लगा, मैं फ़ौरन नहाया धोया रेडी हुआ चला गया। तो अभी भाई जलेबी भी टेस्ट करते हैं, बिस्किट से खाते हैं, लंच नहीं किया हुआ था मैंने। काम सही कर रहे थे मिस्त्री, कोई नुक्स तो नहीं किया? वो फिर भी नहीं ना सही करते, मैं सारी पैमाइशें खुद करता हूँ बाद में, जब वो रख देते हैं ना उसके बाद फिर मैं पैमाइशें करता हूँ कि पूरी हैं या नहीं। हमेशा किसी न किसी में पैमाइश का मसला होता है, फिर दोबारा ठीक करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह हो गई है, दूसरा दिन हो गया जी स्टार्ट, और रात को मौसम अच्छा खासा था, अच्छा खासा नहीं था, खैर आंधी आई थी, मिट्टी मिट्टी हो गई थी हर से। और अभी जो है ना सुबह के टाइम में मिस्त्री में जो है अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, आज जो है ना भाई कोठी गिराने का भी काम चल रहा है। तो काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि वसीम इसको ना गिराओ, तो ये यहाँ पर अगर खड़ी रहे तो एक तो ये है काफ़ी बड़ी, और दूसरी इसकी हालत बहुत ख़राब है, देखो बिल्कुल नीचे दबी हुई है। तो बनाई तो इंशाल्लाह ऊपर बनेगी, और कॉटेज की तरह, शेड की तरह, जिस तरह से भाई मुनव्वर ने बनाई है, अगर मड किचन बनाना हुआ तो। ये मड किचन है ही नहीं, और वैसे भी सारा ज़मीन में धंसा हुआ है, तो पहले नीचे मिट्टी डलेगी फिर ऊपर बनाने का काम होगा, तो इसलिए इसको गिराना ज़रूरी है। अभी भाई जो ना सुबह सुबह इनकी लिफ्ट फिर से डैमेज हो गई है, तार टूट गई, उसकी वजन आ रहा था ज़्यादा, अभी फिर उसको गांठ दे के चला तो रहे हैं, अल्लाह खैर करे फिर ना टूटे। रस्सी थोड़ी, रस्सी कह रहा हूँ, तार है, तार थोड़ी बारीक है, काम ही ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसे ही है ना। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हवा में जुगाड़ भी चलती है, प्रोफेशनल काम तो किया ही कभी नहीं। ओ देखो वहाँ से टूटी हुई है बिल्कुल सर के पास। कल शाम तक की भाई जो प्रोग्रेस है ना घर के दीवारों की चुनाई की, यहाँ तक पहुँची थी, मतलब इधर से भी बस ये वाली जगह थोड़ी रह गई इन दीवारों के बराबर करने की, फिर इन्होंने ना वो लगाने पैड्स जिनके ऊपर चढ़ के फिर कंस्ट्रक्शन होगी। डोर फ्रेम्स जो है ना सारे लग गए हैं जो बाहर वाले हैं, ये लॉबी के हैं, और बस इस वाशरूम का रह गया और इस वाशरूम का रह गया, बाकी सारे डोर फ्रेम्स भी लग गए हैं। इनके लेवलिंग वगैरह, इनके अंदर जो कंक्रीट बननी है वो जब 7 इंच तक कंप्लीट हो जाएगी ना, 7 फीट तक, फिर ऊपर जहाँ बीम डलना है वहाँ से कंक्रीट भी डालेंगे इनके अंदर ताकि ये फिक्स हो जाए। बाकी मौसम अभी भी भैया देख रहे हो, बादल तो आए हुए हैं, सर्दियों का ना आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है, आजकल सुबह सुबह ना सर्दियों वाली फीलिंग्स आने लग गई हैं। आज भी मौसम अच्छा ठंडा बना हुआ फ़िलहाल के लिए। और इधर तैयब जो है ना भाई वो भी लगा हुआ है मिट्टी उतारने में छत से, फिर चापर चूपर उतारेंगे, फिर इसके नीचे भूसा डाला होता है वो उतारेंगे, फिर ये दीवारें शिवारें, बल्कि लकड़ियाँ भी हैं इसके अंदर वो जो सपोर्ट के लिए डली हुई हैं वो भी निकालनी है, काफ़ी काम है ये भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ जब फसल हो जाएगी ना तो इतना प्यारा ये व्यू हो जाना है ना, क्योंकि यहाँ फूल ही फूल होंगे सरसों के। चलें भाई मिट्टी जो है ना तैयब ने भाई उतार ली है, अब जो है ना इसको ऊपर जो इसको डालते हैं हम ना इस अपनी ज़बान में, ये जो ऊपर डालते हैं ना ये जाल सा बना हुआ, इसको पत्तल कहते हैं, ताकि ना इसके ऊपर फिर शॉपर डाला जाता है पोलीथीन का, उस शीट जो होती है उसके बाद फिर मिट्टी डाल के लिपाई की जाती है ताकि पानी नीचे ना जाए, तभी उसी को उतार रहा है। और बूढ़ियाँ कह रहा है कि बहुत बैठी हैं। इस कमरे की भाई हालत जो है ना गाय के काफ़ी ख़राब थी, इसको बने हुए तकरीबन 10-1 साल हो गए हैं, फिर ऊपर से ये क्या कहते हैं बना हुआ भी गारे की लिपाई से था, और इसका अब गिरना लाजमी था। 2 इंची की दीवारें जहाँ तक बननी थी वो बन गई हैं, अब ये वाशरूम की दीवार है 4 इंची की, इसको करने लगेंगे स्टार्ट।
जो है ना बस ये चार नीचे वाली दीवार है और दो उधर हैं, वो बना के उसके बाद फिर ऊपर की चुनाई स्टार्ट होंगे। मिस्त्री साहब मसाला तेज किया ने ये दिन के 10 बज गए हैं भाई और तैयब इधर लगा हुआ। हाँ जी सुनाओ, कोई मसला तो नहीं हो रहा? मसला ये बस डेमो आ रहा है। डेमो है ना? हाँ जी। हाँ भाई डेमो इधर बड़े हैं और मकौड़े भी बड़े हैं क्योंकि सारे कचरे वाली थी इसमें, चीज़ें ही ऐसी रखी हुई थी तो डेमो फूंड जिनको हम कहते हैं ना वही वो बहुत है। आजकल मौसम भी है इनका, मैं आपको दिखाऊँ, अचानक से वो दरख्त से उठे हैं और वो जाके बैठ गए हैं, ये चेक करो, ये अभी भी थोड़े हो गए, बहुत ज़्यादा आगे बैठ गए थे, तो इनको ना पेट्रोल फेंक के ना आग लगाएंगे तब ये जाएंगे। तो खैर जी गिरी गई है ऑलमोस्ट, अब जो है ना इसकी दीवारें शिवारें गिराएंगे, गटर शटर निकालेंगे। तो गाय का जो कमरा है ना ऑलमोस्ट ज़मीन बोस हो चुका है, बस थोड़ी थोड़ी दीवारें रह गई हैं, वो भी अभी इंशाल्लाह गिर जाएंगी। फिर ये भूसा उठवाना है, ये रखना है जी टावर वाली साइड, उधर लेके जाना है इसको, और फिर ये ईंटें इकट्ठी करवानी है, जो सही सही होंगी वो इस्तेमाल हो जाएंगी और जो ज़्यादा गली हुई होंगी ना उनका भी इसी तरह से रोड़ी बनवा लेंगे, वो फर्शों में डल जाएगी। ज़बरदस्त गई है तो बड़ी जल्दी, मौसम आज बस थोड़ा सा ही ठंडा हुआ है। और ये देखो भाई ट्राली जो है ना ऊपर ही लटकी हुई है, बिजली चली गई हुई है काफ़ी टाइम की, तकरीबन घंटा हो गया है अभी तक नहीं आई, वो वहीं पे खड़ी हुई है। यही मसला होता है, मौसम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना तो बिजली फिर पक्की पक्की डिस्टर्ब हो जाती है। अरे कमर में दर्द हो रही है यार, खड़े हो के ना मिस्त्रियों से मैं इतना तंग हूँ ना, हो मिस्त्रियों बंदे बन जाओ तुम। तो भाई वही अभी लगे हुए हैं वो अपनी 4 इंच की दीवारें बनाने में, और आपको पता है काम चल रहा है और मुझे चोटें ना लगें ये हो नहीं सकता, आज फिर लग गई। ये चेक करो, बस यही सीन चल रहा है आजकल तो। और नाश्ता भी आ गया है, और नाश्ते में क्या बना है जी, एज़ यूजुअल अंडा मिर्चें लस्सी पराठा। अभी जो है ना भाई नाश्ता भी करते हैं और नहाता भी हूँ, अभी तो खैर नहीं नहाऊंगा, थोड़ा काम है वो कंप्लीट करके ही नहाऊंगा ताकि फिर दोबारा से बंदे को वो कंस्ट्रक्शन में हाथ ना मारना पड़े। मैं चाहता हूँ कि बस जितना जल्दी हो ये काम कंप्लीट करें और जाएं। खैर फिलहाल वीडियो करते हैं ख़त्म, नाश्ता करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मौसम आज ठंडा हुआ है तो लाइट नहीं है, UPS फिलहाल तो चल रहा है, अल्लाह करे आ जाए, नहीं तो UPS भी बंद हो जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल पर नया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।